आपका स्वागत है मेरे चैनल पे मिस्टर एमडी हैकर। मैं आपका दोस्त मोल। आज मैं आपको बताऊँ कैसे बना सकते हैं बिल्कुल एकदम सिंपल एम्पलीफायर बिना कोई डायोड ना कैपेसिटर ना रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं। इसके लिए सिंपल आपको चाहिए ऐसा एक क्रीम का डब्बा ले सकते हैं, ये मेरे पास है पतंजलि मॉइस्चराइजर की क्रीम है, या फिर आप इसकी जगह ऐसी आई ड्रॉप का ये डब्बा कोई सा बॉक्स वगैरह ले सकते हैं। और आपको चाहिए एक ऑक्स केबल, कोई सी भी ऑक्स केबल ले सकते हैं, देख सकते हैं मेरे पास ये वाली ऑक्स केबल है। और आपको चाहिए ऐसा एक स्पीकर, कोई सा भी आपकी इच्छा हो फिट हो जाए, और ये मेरे पास है 3 वाट का है ये मेरे पास स्पीकर। चलिए आप शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये ऑक्स केबल, पहले मैं आपको बताता हूँ ऑक्स केबल इसमें है, ये ऊपर वाला लेफ्ट वाला है, नीचे वाला राइट है, ये ग्राउंड और ये माइक वाला वायर काम करनी आपको इसमें पता तो चल गया, पर आपको ये पीछे के वायर्स में पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको इसको कट करूँगा ऐसे करेंगे और इसके अंदर कट करेंगे तो इसमें ऐसे 2 वायर निकलेंगे, इसको भी ऐसे कट करेंगे। इसके अंदर भी फिर 2 वायर निकल गए, 4 वायर निकले हैं, देख सकते हो इसमें 4 वायर है, एक लेफ्ट वाला है, ये ग्राउंड का है, ये माइक का है। अब आपको लेना है माचिस, लेनी है माचिस जला के इनके ऊपर की लेयर हटानी है आपको, ये देख सकते हैं ऐसे लेयर हट जाती है, ऐसे करके ये लेयर हट जाती है। ये लेयर हटाने के बाद करना क्या है, ऑक्स केबल को हम पहले साइड में कर रख देंगे। अब आपको लेना है ये, आप ये डिब्बी ले सकते हैं या फिर आप ऐसी आई ड्रॉप या कोई सा भी ऐसा बॉक्स ले सकते हैं, और मैं अभी ये वाली डिब्बी ले रहा हूँ और इसके ऊपर ऐसे मार्क कर लेंगे हम, और यूँ करके फिर इसको हम काट लेंगे, ऐसा मार्क कर लिया हमने चक्कू को गर्म करके फिर इसको काट लिया था। आप चाहे तो आप किसी से भी काट सकते हैं, मैंने इस बॉक्स को काट लिया, मैंने चक्कू को गर्म करके काटा था, और स्पीकर ऐसे के इसमें बिल्कुल फिट आ गया, देख सकते हैं आप अच्छी तरह फिट आ गया। और ऑक्स केबल के वायर्स का मैं आपको पहचानना बताता हूँ, कौन सा लेफ्ट का है, राइट का है, कौन सा ग्राउंड का है। आपने यहाँ पे तो पहचान कर ली भाई, ये वाला है, ये वाला है। अब मैं आपको इसके पीछे वाले वायर्स कैसे पहचाने, इसके लिए आपको चाहिए, पहले आपको चाहिए आप कोई सा भी चार्जर, या ये देख सकते हैं मेरे पास 4.8 वोल्ट का चार्जर है, या फिर आप बैटरी या कोई सा भी सेल वगैरह ले सकते हैं। और आपको चाहिए एक ऐसी मतलब कोई से भी आप एलईडी बल्ब वगैरह कुछ ले सकते हैं, और एक वायर से कनेक्ट कर देंगे एलईडी बल्ब को, हम इससे एक वायर कनेक्ट कर देंगे और हम इस चार्जर को हम लगा देंगे। इस चार्जर को ऑन कर दिया, देख सकते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है। मैं आपको वो चेक करके बताता हूँ ऑक्स केबल को, सबसे ऊपर वाला है ये लेफ्ट वाला है, सबसे ऊपर वाला है ये लेफ्ट वाला है, तो इसके ऊपर एक वायर यहाँ पर रख देंगे, और दूसरा जो भी पीछे वाले वायर है वो हम रेड वाले वायर से ऐसे अटैच करके देख लेंगे, जो भी वायर सही होगा ना लेफ्ट वाला उसके अंदर एलईडी बल्ब ग्लो करेगी। सारे वायर ये देख सकते हो मेरे को मिल गया एक वायर इसका, और ऐसे ही हम राइट वाला वायर टेस्ट कर लेंगे, कौन सा राइट वाला है, वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है आपको, देख सकते हैं मिल गया इसके अंदर वायर, ये राइट वाला मिल गया मेरे को वायर। अब ऐसे ही ग्राउंड वाला, क्योंकि ग्राउंड ही वायर चाहिए, माइक वाला वायर आप काट देंगे, टेक्निक है। अब हम वायरिंग कर देंगे, बस करना क्या है, ये स्पीकर ऐसे बाहर निकाल लिया और ये ऊपर की कैप खोली, और यहाँ से देख सकते मैंने छेद भी कर रखे हैं, पर मैं एक ही छेद में डाल दूँगा, मैंने 2 कर रखे हैं। और इसके अंदर से ऐसे ये ऑक्स केबल के वायर से ऐसे निकाल लिया, फिर एक यहाँ पे नॉट लगा देंगे हम, गांठ लगा देंगे, ज़्यादा बड़ी भी नहीं ज़्यादा छोटी भी नहीं गांठ, फिर ऐसे ही लॉक हो जाएगा। और स्पीकर के वायर हम अब कनेक्ट कर सकते हैं, करना क्या है, दोनों लेफ्ट वाला एक लेफ्ट वाला वायर और राइट वाला वायर दोनों को हम जोड़ देंगे, और ग्राउंड वाला वायर एक ही है इसमें, और एक माइक वाला वायर हम काट देंगे, देख सकते हैं ये है, ये ग्राउंड का है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये माइक वाला वायर है,
और ये माइक वाले वायर को मैं हटा दूंगा, कैंची से काट दूंगा ये माइक वाला वायर, ये कट गया क्योंकि ये काम का नहीं है। और बाकी वायरिंग लेफ्ट वाला और राइट वाले को, दोनों को ये लेफ्ट और राइट दोनों को एक से मिक्स करके स्पीकर के वायर के अंदर लगा देंगे। और ये ग्राउंड वाला है ये वाला, ये भी स्पीकर में लगा देंगे। पहले ये बॉक्स वाला ये है तो इसके अंदर पहले वायर निकाल देंगे, फिर इससे कनेक्ट करेंगे हम लेफ्ट वाला और राइट वाला और ग्राउंड वाला वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये ग्राउंड ले लेफ्ट और राइट वाले को मैंने एक कनेक्ट कर दिया, मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी, मैं इसके अंदर ये बीट सब्सक्राइब डाल दूँगा। इसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ तो नहीं है पर बढ़िया आवाज़ आती है, एकदम क्लियर आवाज़ आती है, आप अच्छी तरह सुन सकते हैं, बढ़िया आवाज़ आती है। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।